हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको आप लगाकर हैंगिंग पॉट में धूप में भी रख सकते हो, क्योंकि इंडोर में रखने वाले तो बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनको आप हैंगिंग पॉट में लगाकर अपने गार्डन को डेकोरेट करते हैं, लेकिन धूप के प्लांट कुछ कम ही रहते हैं जिनको आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हो। इस वीडियो में सभी के नेम एंड प्राइस आपके साथ शेयर करूंगी, खाद कौन सी डालनी है ये भी बताऊंगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इसलिए पूरा ज़रूर देखिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वो भी बेल आइकन के साथ। फर्स्ट आप मेरे सामने देख रहे हो व्हाइट वेलवेट प्लांट, इसे कई सारे नामों से जाना जाता है, और ये प्लांट आपको नर्सरी में 80 रुपीज़ का मिलता है। इसे आप हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हो और वैसे पॉट में भी लगा सकते हो, छाया में भी आप इसको रख सकते हो, धूप में भी 4 से 5 घंटे की धूप मिले। इस प्लांट के ऊपर फूल भी आते हैं, लेकिन फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, और आप इसे कटिंग से भी इजी तैयार कर सकते हो। जल्दी से ये प्लांट ख़राब नहीं होता है, लॉन्ग टाइम आपके पास रहता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा पीलिया डिप्रेसा प्लांट। ये प्लांट भी बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, और उन्हीं के टॉप पर इसका छोटा सा फूल आता है प्लांट का। इसकी ब्रांचेस जो होती हैं नीचे की साइड लटकती हैं, इसलिए आप इसे हैंगिंग पॉट में लगाकर पूरा दिन की धूप में रख सकते हो। ये प्लांट आपको 50 रुपीज़ का नर्सरी में मिल जाएगा, कटिंग से भी आप इसको तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट प्लांट है हमारा मॉस रोज, 9 o'clock या फिर पोर्टूल का कई सारे नामों से जाना जाता है। इनकी बहुत सारी वैरायटी होती है, देसी वैरायटी होती है, हाइब्रिड वैरायटी होती है, कलर भी आपको इनके बहुत सारे मिल जाते हैं। ये प्लांट आपको नर्सरी में 15 से 20 रुपीज़ का ही मिल जाता है। इसे आप पूरा दिन की धूप में रखिए, और छोटी छोटी कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। इसमें आपको पानी कम डालना रहता है, प्लांट में हैंगिंग पॉट में लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा रैन लिली। रैन लिली से इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे ही बरसात पड़ती है तो इसके फूल खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें भी आपको कई सारे कलर मिलते हैं, इसमें येलो भी होता है, वाइट भी होता है, और मिनिमम आपको ये 40 रुपीज़ का प्लांट मिल जाता है। इसके अलावा आप इसके बल्ब को ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, क्योंकि बल्ब अगर मंगाओगे तो आपको सस्ते मिल जाएंगे। इसे आप पूरा दिन की धूप में भी रख सकते हो और छाया में भी रख सकते हो, हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हो, और नॉर्मल पॉट में भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट प्लांट है हमारा विडेलिया। विडेलिया प्लांट जो होता है, इसके येलो कलर के फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। आप इसे बेल की तरह भी फैला सकते हो और इस तरीके से हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हो। विडेलिया प्लांट जो होता है, यह आपको नर्सरी में 40 से 50 रुपीज़ का इजी मिल जाएगा। इसके अलावा आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हो अपने घर पर। काफ़ी हार्डी प्लांट है और परमानेंट प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा पर्सलेन। पर्सलेन प्लांट जो होते हैं, इनके बहुत सारे फूलों के कलर आपको मिलते हैं। अभी इस टाइम पर मेरे प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रखी है, लेकिन मेरे पास इसके 3 से 4 कलर हैं, और छोटी छोटी कटिंग इनकी बहुत इजी ग्रो होती हैं, और इनमें भी आपको पानी कम डालना होता है। पूरा दिन की धूप में रखिए, काफ़ी हार्डी प्लांट है। ओनली आपको 15 से 20 रुपीज़ का ये प्लांट नर्सरी में ईजी मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बेबी सनरोज। बेबी सनरोज ही इस नाम प्लांट का नेम है, क्योंकि आप इसको पूरा दिन की धूप में रख सकते हो। जितनी तेज इसको धूप मिलती है, उतनी अच्छी इस प्लांट पर फ्लावरिंग होती है। आप इसे हैंगिंग पॉट में भी ग्रो कर सकते हो, प्लास्टिक बोतल में भी, जैसे मर्जी आप अपने अकॉर्डिंग इस प्लांट को डेकोरेट कर सकते हो। इसमें आपको पानी कम डालना होता है, और छोटी छोटी कटिंग भी इनकी जल्दी से ग्रो हो जाती है। इसकी तो पत्तियों में से भी जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं अगर आप लगाते हो। प्राइस की बात करें तो ओनली 40 से 50 रुपीज़ का ये प्लांट आपको मिल जाएगा। ये एक सकुलेंट वैरायटी से होता है प्लांट। नेक्स्ट है हमारा जीनिया। तो जीनिया की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, फूलों के कलर भी आपको इनके बहुत सारे देखने को मिलते हैं। इनकी जो ये हाइब्रिड वैरायटी होती है, आप इसे हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हो, और नॉर्मल 8 से 9 इंच के पॉट में भी इजी ग्रो कर सकते हो। जीनिया की आपको एक्स्ट्रा केयर करनी होती है, क्योंकि इसकी पत्तियां जो होती हैं बहुत जल्दी से ब्राउन होने लग जाती हैं। जीनिया को आप 4 से 5 घंटे की धूप में रख सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी में हमेशा हल्की हल्की नमी बनी रहनी चाहिए। अगर इसकी मिट्टी सूख जाती है तो इसकी पत्तियां फोल्ड होने लग जाती हैं। प्राइस की बात करें तो ये प्लांट आपको 20 से 40 रुपीज़ का नर्सरी में मिल जाता है। इसके फूलों से भी आप इसको अपने घर पर ग्रो कर सकते हो बहुत ईजी। नेक्स्ट है हमारा गोमफ्रीना प्लांट। गोमफ्रीना प्लांट भी काफ़ी हार्डी प्लांट है और परमानेंट प्लांट है। एक बार नर्सरी से ले आओगे, सालों साल आपके पास रहेगा, क्योंकि इसके जो सूखे हुए फूल होते हैं उन्हें अगर आप कहीं पर भी गिरा देते हो, बस मिट्टी चाहिए होती है, तो तुरंत से ही इसके न्यू प्लांट
उगने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके फूल एक बार खिलने के बाद 1 मंथ तक ऐसे के ऐसे ही आपको फ्रेश दिखाई देते हैं। और ये प्लांट आपको नर्सरी में 40 रुपीज़ का ईजी मिल जाता है। आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हो और पूरा दिन की धूप में रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट प्लांट को भी आप पूरा दिन की धूप में रखिए, हैंगिंग पॉट में लगाइए, प्लास्टिक बोतल में लगाइए, जल्दी से ख़राब नहीं होता है। और पर्पल हार्ट भी आपको 20 से 40 रुपीज़ का ही नर्सरी में मिल जाता है। इसके अलावा आप इनको कटिंग से भी अपने घर पर इजी तैयार कर सकते हो। और इनके ऊपर टॉप पर छोटा सा फूल भी आता है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। इस प्लांट में भी आपको पानी कम ही डालना होता है। ज़्यादा पानी डालने की वजह से इसके स्टेम्स जो होते हैं गल जाते हैं, क्योंकि इनमें पहले से ही पानी स्टोर रहता है। नेक्स्ट है हमारा विंका। विंका की भी कई सारी वैरायटी होती हैं, देसी वैरायटी होती हैं और हाइब्रिड वैरायटी होती हैं। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये हाइब्रिड वैरायटी हैं और इसके बहुत सारे कलर आपको नर्सरी में मिल जाते हैं। विंका आपको इस टाइम पर 20-20 रुपीज़ के बहुत सारे नर्सरी में देखने को मिलेंगे और इनके कलर भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा आप इनको बीजों से या फिर कटिंग से अपने घर पर भी तैयार कर सकते हो। इनमें फंगस जल्दी लगता है, उसके लिए आप फंजीसाइड पाउडर का यूज़ कर सकते हो। पानी आपको इनमें कम डालना है, चेक करके डालना है, हर वक्त नमी बनी रहेगी तो भी आपके प्लांट में फंगस लग जाएगा। पूरा दिन की धूप में आप इसको रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा चैन प्लांट। चैन प्लांट काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। इसे आप धूप में रखिए, छाया में रखिए, कहीं पर भी ख़राब नहीं होता है और हैंगिंग पॉट में लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि इसकी जो हैंगिंग हम इसको करते हैं इसके पास से बेबी प्लांट निकलते हैं और ये बेबी प्लांट नीचे की साइड लटकते हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये प्लांट आपको नर्सरी में 40 रुपीज़ का मिल जाएगा। एक प्लांट से ही आप इसके ढेरों प्लांट अपने घर पर तैयार कर सकते हो, काफ़ी इजी है। नेक्स्ट है हमारा रियो। रियो भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। 40 रुपीज़ का आपको नर्सरी में मिल जाएगा। इसके पास से ही इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं जिन्हें आप निकाल कर अलग कर सकते हो और एक प्लांट से ही बहुत सारे अपने घर पर तैयार कर सकते हो। हैंगिंग पॉट में लगाइए, नॉर्मल पॉट में लगाइए, छाया में रखिए, धूप में रखिए, कहीं पर भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। ये प्लांट जल्दी से ख़राब होने वाला नहीं होता है। इसकी भी आपको 2-3 वैरायटी मिलती है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट है हमारा टर्टल वाइन। टर्टल वाइन काफ़ी खूबसूरत सा प्लांट होता है और परमानेंट होता है। सर्दी गर्मी हमेशा आपके गार्डन में रहेगा। इसकी ओनली 40 से 50 रुपीज़ का नर्सरी में आपको मिल जाएगा। एक एक पत्ती से आप इसके न्यू प्लांट तैयार कर सकते हो और इसको आप धूप में भी रख सकते हो, छाया में भी रख सकते हो, हैंगिंग पॉट में लगाइए। एक जंगल सा लुक आपके गार्डन को देगा टर्टल वाइन। इसके आपको 2-3 तरह की वैरायटी भी मिलती हैं और आप इसको प्लास्टिक बोतल में लगा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट कर सकते हो, बालकनी में भी रख सकते हो। और मैंने यहाँ पर देखी इसको प्लास्टिक बोतल में ही लगाया हुआ है और ज़्यादा खाद की केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके ऊपर अगर आप वर्मी कंपोस्ट को एक दिन पानी में भिगाकर एंड नेक्स्ट डे इस प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दोगे, इसकी जड़ों में डाल दोगे, तो उसी से इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी निकल कर आती है। मैंने एक ही प्लांट लेकर आई थी 3 से 4 साल पहले और तब से आज तक इसके मैंने एक प्लांट से कितने सारे तैयार किए हैं। अगर किसी बड़े पॉट में आपका बड़ा प्लांट चल रहा है तो उसी की जड़ों में आप इस प्लांट को फैला दीजिए, बहुत घना हो जाएगा और फैल जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।